साबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी ते हुण गिरफ्तारी दी तलवार पूरी तरह नाल लटक गई है। जी हाँ, अदालत ने सुमेर सिंह सैनी दी अगाऊ जमानत अर्जी रद्द कर दी है। 29 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी मामले विच मोहाली दे मटौर थाने च सुमेर सैनी खिलाफ 6 मई 2020 नूं FIR दर्ज की गई थी, जिस तों बाद सैनी खिलाफ SIT बनाई गई। सैनी खिलाफ पहला अगवा सबूत मिटाउण अते होर धारावां लगियां सन, पर बाद विच कतल दी धारा जोड़ दी गई थी। उधर अदालती हुक्मां तों बाद हुण बलवंत सिंह मुल्तानी दे वकील प्रदीप विरक ने सुमेर सिंह सैनी दी गिरफ्तारी दी आस जताई है। देखो, साडा काम उहदे खिलाफ लड़ना, असीं लड़ रहे हां, असीं सच्चाई लई लड़ रहे हां। जे सुमेर सिंह सैनी ने पाप कीते, उहदी सज़ा देउण लई उह साडा काम है, उहदे ते असीं लगे होए हां। SIT हुण उम्मीद करदा आपणा काम अरेस्ट करो। तुहानूं लगदा कोई SIT दबा जां कोई पोलिटिकल प्रैशर है SIT काम करन दी? जे पोलिटिकल प्रैशर होंदा तां SIT उहनूं फड़ लैंदी। उह तां सुमेर सैनी जाण के झूठियां दलीलां लै रहे आपणे आप नूं बचाउण लई। अदरवाइज़ SIT तों कोई प्रैशर होंदा तां सुमेर सिंह सैनी खिलाफ वो जिन्हें रेड भी मारी है या कुछ भी किया है वो भी क्यों करते? पर हम देखते हैं, मेरे ख्याल SIT हम अरेस्ट करूंगी सुमेर सैनी को, असं यही उम्मीद कर रहे हैं। वो तो बहुत सारिया चीज़ा तो दर्शकों के सामने आ जाएगी। सुमेर सिंह लंबे समय से जो फरार दसे जा रहे हैं, भी लगता कि इन्नी सिक्योरिटी वाला बंदा इस तरह फरार हो सकता है? डेफिनेटली नहीं हो सकता। मैं तो ही कह रहा कि जो सरकार उन्होंने फड़ना चाहती तो इंटेलीजेंस वो तो वॉच रख लें, सिक्योरिटी गैंग को पता होंगे वो मूवमेंट कितने, ऑटोमैटिकली वो कितने भज नहीं सकते। ऑब्वियसली जो भजे है कोई सरकार का इंट्रस्ट नहीं सी उन्होंने अरेस्ट करने के, ये कोई वेंडेटा नहीं है जो सुमेर सैनी शो कर रहा है। बाकी फरार होया कोई गल नहीं, फड़िया जाऊगा। एटलीस्ट उही बंदा वो ये तो हूँ आ गया ना सामने कि उन्हें जो गलतियां कीतियां जो पाप किए कोर्ट के सामने आ गए, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी अरेस्ट छेती हो जाए। दूजे पासे अदालत वालों सुनाए फैसले से सरकारी वकील सरतेज नरूला ने संतुष्टि प्रगट की है। उन्होंने कहा है कि अदालत ने कुछ दिन पहला सुमेर सैनी नूं जमानत देने समय फैसला राखवा रख लिया, पर अज अदालत ने सैनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा है कि भावें हुण सुमेर सिंह सैनी को हाई कोर्ट में पटीशन करन दा पूरा विकल्प बचता है, पर वह कोशिश करनगे कि इस दौरान सैनी नूं गिरफ्तार कर लिया जाए। देखो, इदा कि जिस दिन इंटरिम बेल दी सी जज साहब ने, वो क्योंकि उन्होंने फैसला सुनवाई तो रखा होगा, तो उन्होंने लग्या होगा उस दिन कि क्योंकि हले मैं फैसला सुनाना है, इन द मीन टाइम अरेस्ट करना बनना ही बनना, ये जजा के अपने फैसले होंगे, उन्होंने फैसला ले लिया। अज हम सारी बहस जो की गई थी पिछले वीरवार, वो सारी बहस सुनते हुए जज साहब ने फाइनली अज फैसला करता कि यह बंदा एंटीसपेटरी बेल देन के काबिल नहीं है, और जो असी मंग रहे थे इन्नी देर का कि सानू यदि कस्टडी दी जाए, असं इंटरोगेट करना, असं कई गल्लां पूछनी है, वो सारी गल्लां जज साहब ने मान ली है। बाकी एग्जैक्टली ऑर्डर च की जज साहब ने फैसला लिता है, किहड़े ग्राउंड लिती है, वो सब सामने आ गया। सर, क्या हुण मतलब कहा जा सकदा है कि हुण SIT दे सामने पेश होना पड़ेगा? देखो, इदां जी पेश तो होना पहला ही चाहिए सी, क्योंकि जो किसी ने जुर्म किया डरता कि भज क्यों रहा, पर उन्होंने कोल हले हाईकोर्ट का रुख है, हले वो जाएगा हाईकोर्ट एंटीसपेटरी बेल वास्ते। इन द मीन टाइम SIT अपनी कोशिश करेगी अरेस्ट करन, क्योंकि सानू फाइनली तो कस्टडी ही चाहिए। सर, मेन जो अगर हाईकोर्ट जाते, हाँ जी बिल्कुल जी, इदा ही अपोज करा कि यही कहेंगे सानू कस्टडी चाहिए, क्योंकि केस नू सॉल्व करन लई इंटरोगेशन करनी बहुत जरूरी है। दस दिए कि बलवंत सिंह मुल्तानी मामला 1991 यानी 29 साल पुराना है। बलवंत सिंह मुल्तानी तत्काली IAS अधिकारी दर्शन सिंह मुल्तानी के पुत्र सन। इल्जाम है कि उस समय चंडीगढ़ के तत्काली SSP सुमेर सिंह सैनी ने मुल्तानी नूं पहला घरों चुकवाया अते फिर 7 दिनों तक टॉर्चर करन तो बाद उस नूं फरार घोषित करके उस खिलाफ एक होर FIR दर्ज कर ली गई। परिवार का कहना है कि बलवंत सिंह की मौत पुलिस तशद्दुद कारण पुलिस की हिरासत में हुई, जिस तों बाद हुण 29 साल बाद सुमेर सिंह सैनी खिलाफ वख वख धारावां तहत केस दर्ज किया गया अते अज अदालत ने सुमेर सिंह सैनी नूं वड्डा झटका दिंदिया उन्हां दी अगाऊ जमानत अर्जी रद्द कर दित्ती है, जिस कारण हुण सुमेर सिंह सैनी ते गिरफ्तारी दी तलवार लटक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।